लिए हम लोग चल रहे हैं और एनर्जी लेवल एकदम हाई है। होता है इसे राम पैड़ी कहते हैं। तो आप सभी का स्वागत है आंचल के ब्लॉग में। तो ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। आज हम आपको ले चलेंगे हमारे यहाँ के धर्मस्थल में जो है अयोध्या धाम। तो बने रहिए हमारे साथ। तो सुबह सुबह आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ का मौसम कितना अच्छा है, लेकिन आज धूप नहीं निकला है। आज बादल बादल और तेज तेज हवाएं हैं और सूरज भगवान थोड़े थोड़े से निकल रहे हैं ये वहाँ पे। तो हम लोगों के गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो चुका है। हम बस में बैठ चुके हैं। अब हम ब्लॉग बनाओ। हेलो गाइस, ये मेरी मौसी है। तो हम अयोध्या नगरी में प्रवेश कर चुके हैं और आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले दर्शन हुआ हमें हमारी गंगा मैया का, जो कि हमारी जिंदगी में हमें ये हमेशा चलना और बहना सिखाती हैं। तो प्रवेश करने के बाद आपको दिखेगा इतना बड़ा पुर। तो हमारी एंट्री हो चुकी है अयोध्या धाम में और हम निकल चुके हैं राम मंदिर की तरफ। और यहाँ पे पहुँचने से पहले हमने पी ली गर्मा गर्म चाय, वो भी शुद्ध मिट्टी के घड़े में। यहाँ आगमन हम लोगों को ललचवा रहा है, देख लीजिए। अभी हम लोगों ने दर्शन नहीं किया तो हम सिर्फ आगमन खा सकता है, इसका ये बहुत फायदा उठा रहा है। और आप लोगों ने तो सुना ही होगा आम तो आम गुठलियों के भी दाम। तो यहाँ पे चाय पीने के बाद ये उसके कप को भी खाना शुरू कर देती है, इसे मिट्टी खाना बहुत पसंद है। तो एंट्री करने के बाद हमें सबसे पहले दिखता है अयोध्या जंक्शन, जो कि अयोध्या धाम में बहुत ही जल्दी ही बना है। और फिर यहाँ पे पहुँचने के बाद हम भी अपना पूरा चंदन टीका लगवा के पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं मंदिर में एंट्री करने के लिए। तो यहाँ पे हम मंदिर में आ चुके हैं। मंदिर के गेट से आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने लोगों की तादाद है इतनी बड़ी संख्या में। और आप सभी का स्वागत है अयोध्या नगरी में। तो यहाँ से हम 3 किलोमीटर पैदल चलना शुरू कर देते हैं। तो ये शुरुआत है हमारी और फिर हमें दिखता है लाइव दर्शन। तो मेन गेट से एंट्री होने के बाद आपको पूरे 2 से 3 किलोमीटर चलने पड़ेंगे, फिर आपको जाके मंदिर देखने के लिए मिलेगा। अभी भी हम पूरी चलान नहीं कर पाए हैं, तो अभी थोड़ा टाइम है मंदिर के लिए, तब तक आप बने रहे। आपने छोटी मोटी भीड़ देखी होगी, यहाँ पे आने के बाद आपको दिखेंगे बहुत सारे लोग। तो मेन गेट से एंट्री करने के बाद थोड़ी बहुत चेकिंग होने के बाद आप जब अंदर घुसते हैं तो यहाँ पे आपका चप्पल जूता पर्स मोबाइल सब कुछ जमा हो जाता है। आप सभी व्यूअर्स के लिए एक जरूरी सूचना दिया जाता है कि अगर आप VVVIP नहीं हैं और आपको अगर बाहर से परमिशन नहीं मिला है तो आप फोन अंदर नहीं ले जा सकते हैं। वहाँ के पुलिस कर्मियों की मदद से अगर आप चाहें तो फोटो या वीडियो बना सकते हैं थोड़े देर के लिए उनके फोन। तो अच्छे से दर्शन होने के बाद बाहर आप लोग देख सकते हैं कि अभी भी मंदिर का कार्य पूरा नहीं किया गया और मेरे पीछे लगी हुई लाइन को आप लोग देख के थोड़ा सा भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये दिन के 12 बजे की भीड़। देखिए कितनी दूर दूर से लोग आए हैं हमारे अयोध्या में राम जी का दर्शन करने। राम मंदिर से निकलने के बाद हम जा रहे हैं हनुमानगढ़ी के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे और भी भीड़ बढ़ते ही जा। अभी तक बिना कुछ खाए पिए हम लोग चल रहे हैं और एनर्जी लेवल एकदम हाई है। देख के नहीं पता चल रहा है कि हमने सुबह से कुछ भी खाया पिया नहीं है चाय के अलावा। तो हनुमानगढ़ी के लिए हम आगे से ना जाके पीछे के रास्ते से जाते हैं कि शायद हमारा VIP दर्शन हो जाए, लेकिन कोई भी चांस नहीं था VIP दर्शन होने के लिए, क्योंकि यहाँ पे 1000 लोगों की संख्या में लोग तादाद में खड़े थे। और फिर हम निकल जाते हैं नए घाट के लिए, क्योंकि हमारा तो हनुमानगढ़ी पे कोई भी दर्शन होना पॉसिबल नहीं था। इलेक्ट्रिक बस की मदद से हम पहुँच जाते हैं लता मंगेशकर पार्क। तो ये नए घाट जाने के रास्ते में ही आपको दिख जाएगा। तो नए घाट जाने के बाद पता चलता है कि यहाँ पे भी लोगों की कोई कमी नहीं है। इतनी खुशी थी, इतनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी यहाँ से लोगों के बीच कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। और इतनी तेज धूप में भी लोग यहाँ पे नहा रहे थे, झूम रहे थे, गा रहे थे। फिर हमने देखा इन बाबा जी को जो कि यहाँ पे बहुत अच्छा भजन गा रहे थे। भजन गाते गाते हमें दर्शन होता है यहाँ के बजरंगबली का, जो कि यहाँ पे प्रसाद खाने में बिजी थे। धूप कितना ज्यादा है ये तो आपको दिख ही रहा होगा, लेकिन घूमने में अच्छा भी बहुत लग रहा है, दिल को बहुत सुकून मिल रहा है। तो आप लोग भी अयोध्या एक बार तो जरूर आइएगा दर्शन करने के। यहाँ पे बहुत छोटी छोटी सी दुकान में आपको बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियाँ देखने के लिए मिल जाएंगी। तो अगर आपको मूर्ति चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। और फिर हमने खाया यहाँ पे समोसा, जो कि 25 का 1 मिल रहा था। आपने जितने भी दीप उत्सव देखे हैं अयोध्या में वो यहीं पे किया जाता है, इसे राम पैड़ी कहा जाता है। और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी संख्या है लोगों की, इतने तेज धूप में भी लोगों की कोई कमी नहीं है।
तो ये धारा सरयू नदी से आ रहा था जो कि बहुत ठंड था। तो यहाँ पे लोग 12-1 बजे के दिन में इतनी मजे कर रहे थे कि पूछिए नहीं, जैसे लग ही नहीं रहा था कि हाँ धूप है। और अगर आपको राम जी का दर्शन करना है तो वहाँ का टाइमिंग 6 से रात के 9 बजे तक रहता है। देखिए यहाँ पे ये साधु संत जी लोग बैठे थे और फिर हमें दिखता और भी अच्छे अच्छे से मूर्ति। तो आप लोग अयोध्या में आके मूर्ति जरूर ले लीजिएगा, देखिए कितनी प्यारी प्यारी सी मूर्तियाँ बनी हुई हैं। और जब हम घर के लिए निकल ही रहे थे तभी हमें दिख जाता है तुलसी उद्यान, जहाँ पे कुछ देखने के लिए खास है नहीं लेकिन अयोध्या में है तो आप लोग इसे भी एक बार जरूर देख लीजिएगा। अंदर तो हम नहीं गए, हम बाहर से ही देखे। तरफ घूमने के बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे प्रसाद लेने के लिए, जो कि लेना अनिवार्य है। तो आप लोग सोच रहे होंगे आंचल ने तो चूड़ामणी नहीं दिखाया हमें, जितना पॉसिबल हो सका उतना तो दिखाया। तो जी हाँ, आप लोग देख सकते हैं कि ये चूड़ामणी है। और हम फिर निकल जाते हैं घर के लिए अयोध्या से। और इतनी तेज धूप में जब आप कहीं भी बैठते हैं आपको बहुत सुकून मिलता है, बहुत पैदल चलना पड़ता है। और फिर हम आ जाते हैं खाना खाने के लिए। तो इतनी तेज धूप से आने के बाद आप तला भुना ना खा के सिंपल सादा खाना खाएं, जिससे आपका पेट भी सही रहेगा और दिमाग भी सही रहेगा। तो अयोध्या से मैंने मेरी कजन के लिए लिया था प्रसाद के रूप में ये ब्रेसलेट। तो आप लोग देख के बताइएगा जरूर कि ये कैसा है, और आप लोग भी जाइएगा तो जरूर खरीदिएगा वहाँ। तो हमने एक छोटा सा मंकी का बच्चा दिखा है, छोटा सा ही है, इतना छोटा नहीं मतलब छोटा है। तो उसके पैर में चोट लगा है, खून बह रहा है, तो हम उसे रोटी देने के लिए आए हैं। इसके पहले हमने उसे 4 रोटी दे दिया है, बट उसके पैर में चोट लगा तो उसका पेट कैसे भरेगा, तो हम लोगों ने घर वालों से चुरा के फिर से 3 रोटी लेके आए हैं। तो चलो उसको देते हैं। अभी देखो वो यहाँ पे बैठा है, बस रोटी देते देते वो हमें ना काट ले वरना हमें इंजेक्शन लगने का बहुत डर है। पहले जब हम लोगों ने इसे बुलाया तो ये हमारे पास नहीं आ रहा था, जब हमने इसके तरफ रोटी फेंका तब ये आया। और आप लोग देख सकते हैं कि इसके पैर पे कितना गंदा जख्म है, कितना दर्द कर रहा होगा इसे, लेकिन फिर भी ये रोटी लेके वहाँ से निकलते बना। तो आप कितना भी घूम लो, कितना भी टहल लो, आपके दिल को सुकून मिलता है अपने घर पे आने के बाद। तो मैं मेरे घर आ चुकी हूँ। आई होप आप सभी को ये मेरा ब्लॉग पसंद आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मैंने स्टार्ट किया था इस ब्लॉग को सनराइज से, इसलिए एंड करती हूँ सनसेट से।